नमस्कार गौपालक मित्रों, मैं श्याम मताहिर आप सभी के यूट्यूब चैनल वृंदावन गीत गौशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो भाई आज हम आए हैं सारंगपुर हनुमान दादा के पास। तो यहाँ की एक गीत गाएं बहुत बढ़िया है, तो इस गौशाला का वीडियो हम आपको बताएंगे। तो पहले इस वीडियो में तो सभी आपको बुल बताएंगे कि यहाँ पे सभी बुल अच्छे बढ़िया है, तो बुल का वीडियो है ये। बाद में थोड़े दिनों के बाद इसका वीडियो, गाय का भी वीडियो आएगा और बफेलो और हॉर्स का भी वीडियो आएगा। तो भाइयों आप देख सकते हो ये जो स्वामीनारायण मंदिर में जो बर्डलाइन वाली सभी गाय है, इसका सभी ये बुल है जो अभी यूज़ कर रहा है, और थोड़े से छोटे बड़े सब बुल को आपको वीडियो में बताएंगे। तो इस मंदिर की खासियत है कि जो प्रदीप सिंह बापू के पास LEI 07 अर्जुन था, वो भी इस गौशाला में जन्म हुआ था। ये देख सकते हो ये बुल गोरख है, इसका ही लोगों वो लोग सीमन भी अवेलेबल करवाते हैं, तो आपको सीमन भी मिल जाएगा। और गोरख की बात करिए तो गोरख बढ़िया बुल है, लंबाई हाइट बॉडी सबसे सब कुछ, लेकिन इसकी पेडिग्री किसी को पता नहीं है, हमने वहाँ पर पूछा था लेकिन नहीं बताया, लेकिन बुल बढ़िया है। और इसकी बछड़ी भी मिल्क में भी बढ़िया है, वो भी मिल्किंग भी हुआ था वहाँ पे, देखा था मैंने। तो मित्रों आप देख सकते हो इसका रंग भी मस्त है, कलर भी मस्त है, हाइट बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ, थोड़ा सा सिंग भीले जैसा है लेकिन खूब बढ़िया है। तो आगे ये भी बुल आप देख सकते हो, ये बुल लीला है, देख सकते हो कितना बढ़िया है इसका भी हाइट बॉडी। ये भी इसमें सीमन नहीं मिलेगा लेकिन इसमें यूज़ कर रहे हैं वो लोग ज़्यादातर। यहाँ पे फिर भीले सिंह वाली सब बुल दिखेंगे आपको। और ये भी एक पुरानी नस्ल का बुल है, देख सकते हो आप ब्राजील जैसी इसकी थोड़ी सी आ रही है। तो मित्रों आप जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो मित्रों कमेंट भी करना कि कैसा लगा ये स्वामीनारायण बुल का वीडियो। तो ये बुल देखो आप, कुंठा बुल है, बढ़िया बुल है, मुझे ये पसंद बहुत आया बुल। और वो बोल रहे थे वहाँ पे जो मैंने पूछा था कि इसकी जो बछड़ियाँ हैं वो मिल्क में भी अच्छी आ रही है, तो हमने देखा कि भाई बढ़िया बुल था, हाइट लंबाई सब कुछ, और थोड़ा सा कलर रेड है लेकिन कलर से कोई नहीं ताल्लुक है, लेकिन रूप और मिल्क चाहिए। तो वहाँ पे अलग अलग कलर के सभी बुल थे, ब्लैक थे, देख सकते हो ये ब्लैक और वाइट थे, देख सकते हो आप ये वो कुंडा है ना इसका बछड़ा है, हमने पूछा था ये ब्लैक वाला है ना पीछे से, वो दूसरा है वो लीला है, वाइट वाला है वो। और वहाँ पे और भी एक लीला है आप देख सकते हो यहाँ पे है इसके। और आगे एक पुरानी नसल वाला बुल था वो भी आपको दिखाएंगे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ये थोड़ी सी गाय हिट में थी इसलिए इसमें अंदर थोड़ा था गाय के साथ बुल ने, तो इसकी हाइट लंबाई सिंग इसके कान की पैटर्न देखो और भावनगर जैसी लग रही है, ये बुल बढ़िया था। ये पे कुंडा होगा इस, लेकिन इस बुल से मुझे बढ़िया बुल लगा तो ये लगा, ये बुल का जो हाइट लंबाई थी 3.5 साल का था शायद, बढ़िया था ये। वहाँ पे तो ज़्यादा काफ़ी अच्छे अच्छे बुल थे, बछड़े भी सेल करते हैं वो लोग, ये बछड़े सेल वाले हैं सब, देख सकते हो आप बढ़िया मूव। इसकी जो कान की पैटर्न है ना वो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा सिंग भीले है लेकिन कान बढ़िया है इसके सबको, इसकी हाइट बॉडी स्ट्रेच ये सब 1 साल या 2 साल, 2 साल के आसपास ये के बीच, 1 साल या 2 साल के बीच में ये सब है। ये रेड वाला बहुत मस्त है, ये आप देख सकते हो इसके अंदर, ये शायद मुझे पूछा था ये सेल के लिए है अवेलेबल, किसी भाई को चाहिए तो वहाँ से मिल जाएगा बुल, बढ़िया है सब। वहाँ आपकी जो स्वामीनारायण मंदिर की ऑफिस है वहाँ से बुल आपको डिटेल मिल जाएगी और आपको बुल भी मिल जाएंगे। मुझे तो लीला बहुत पसंद नहीं है, मैं रेड और काबरा ही पसंद करता हूँ, ज़्यादातर मुझे पसंद है वो। तो भाई यहाँ पर ब्रीडिंग अच्छा है, एक थोड़ा सा इसका नागराज बुल था, इसका भी सीमन अवेलेबल है, थोड़ा सा इसकी तकलीफ है पैरों पे जो फिसल गया था इसलिए थोड़ा सा इंजरी हो गया इसलिए वो वहाँ पे है। ये भी इंजरी बुल था, लीला था,
लोग था। तो मित्रों कैसा लगा बोल, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय गौ माता, जय द्वारकाधीश। तो स्वामीनारायण मंदिर का सब बुल देख लीजिए आप, जिसको पसंद आए वो कमेंट में जय गौ माता लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि भाई हमारा वीडियो कोई पूरा देख रहा है। तो सभी गौपालक मित्रों को हमारी चैनल पे ऐसा ही वीडियो आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा शेयर भी कर देना यार, तो ज़्यादा मुझे भी मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। ये सब जो आगे बुल है सब ये वो सब बढ़िया बढ़िया बुल है, आप देख सकते हो, और बुल भी देख लो आप सब। बाद में जो गाय का वीडियो आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा गाय भी आपको देखने को मिले। तो जिस भाई को गाय का वीडियो देखना है कमेंट बॉक्स में यस लिख लीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर से जय गौ माता, जय द्वारकाधीश, सभी गौपालक मित्रों को।